नमस्कार दर्शक तथा पाठक बंधुओं, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ नोटिफिकेशन का बेल आ रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो। नए सचिव आगरा जनवादी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिले की सचिव हूँ और मैं 1985 में हमारा ये संस्था का शुरुआत हुआ था, तभी से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ पिछले 25 साल से। मकसद है कि आगरे जिले में आपने सुना होगा कि कब्र से भी बच्चियों महिलाओं को कब्र से निकाल कर, तो जहां मरी हुई औरतों का करते हैं वो देश क्या होगा। मरी हुई औरतों का अभी निगौली कला में 100 साल के बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं, तो बच्चियों का क्या कहना। हम लोग एटा गए, अभी एटा में माँ के साथ बेटी थी और बस शादी में गई और उसके साथ वो हुआ, तो आगरा से भाग कर एटा गए, वहाँ गए और रोते हुए आए। आप ये सोच लीजिए कि बच्चियाँ माँ बाप भेजते हैं ऑटो में कि स्कूल जा रही हैं बच्चियाँ, ऑटो वाले भी उसे छूते हैं गलत निगाह से, लड़कियाँ आके रोती हैं, कहाँ हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं, कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग को तो चौगुना मार सहना पड़ता है। आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि बेटियाँ बचपन में बाप के जिम्मेदार मतलब बाप से डरती हैं, जवानी पे पति हावी होते हैं, बुढ़ापे में ससुर या वो, लेकिन ठीक उल्टा है, ये हावी नहीं होते हैं। ये जब बचपन में होते हैं तो पिताजी कहते हैं बेटा ये सामान कहाँ है, बिटिया ये कहाँ है, वो कहाँ है, ससुराल में जाते हैं तो पति कहते हैं, मतलब वो लोग हम पे डिपेंड है, लेकिन कहा यह जाता है कि लड़कियाँ डिपेंड, मतलब जस्ट उल्टा जो भी बात होता है उसके उल्टा होता है। इसलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, अपना पोस्टर चिपका रहे हैं, अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। अभी आपने देवरिया में देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, सुल्तानपुर में देखा, लखनऊ में देखा कि शेल्टर होम में लड़कियों को किस तरह से लिटाया जाता है, किस तरह से, तो इसका विरोध करते हैं। महिला हिंसा के खिलाफ लड़ने आए हैं और हम पूरा आगरा वासियों को बताने आए हैं कि ये काम ये गलत है, ये घिनौनी हरकत रुकनी चाहिए, संदेश जाए। और मेरे ख्याल से मेरा तजुर्बा है कि ना कि 2014 से ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि हर दिन पेपर में लोकल कम से कम ये 10-20 घटनाएं। आपके हिसाब से मतलब 2019 के अंदर सरकार को बदलना चाहिए? हाँ बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, जनता त्रस्त है, चाहिए बदलना चाहिए और बदलेगी, जनता त्रस्त है, बिल्कुल बिल्कुल जनता त्रस्त है, बदलेगी। अब हमारी ये अध्यक्ष महोदय हैं, थोड़ा ये भी अपने विचार हैं। और महिला हिंसा में चुप रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम रोज़ के अखबार उठाते हैं तो उसमें देखते हैं 2-4 घटनाएँ रोज़ की जरूरी हो गई हैं। इसलिए इस घटना के लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं कि सिर्फ टीवी और चैनल और किसी चीज़ में देख करके हम लोग सिर्फ कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ और उसे भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है। और महिला हिंसा के खिलाफ हम लोगों को बहुत मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के महिला हिंसा में हम लोग सफल हो पाएंगे। अब जैसे कठुआ और उन्नाव में ऐसी घटनाएं हो गई हैं दिल दहलाने वाली, फिर भी जो है उसको थोड़ा सा हाई वो करके बात को आगे चला करके उसके बाद चुप हो जाने से ऐसे लगता है कि जैसे जनता में कोई आक्रोश ही ना हो। इस आक्रोश के लिए निपटने के लिए हम लोगों को हरदम तैयार रहना चाहिए और हमारा महिला संगठन पूरे भारतवर्ष में है। हम लोग इस महिला संगठन को लेकर के पूरे भारतवर्ष की महिलाएं दिल्ली में 4 सितंबर को इकट्ठे होकर के हम लोग बहुत बड़ी रैली निकालेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी लोग आएं, ये पर्चे बांट के और पोस्टर उसमें स्टिकर चिपका के हम यही आशा करते हैं कि सब लोग इसे पढ़ें और इसमें जो है हमारा साथ दें। जी संस्था आप लोग चलाई है, इसको कितने साल हो गई? संस्था यहाँ बहुत पुरानी हो गई है, यहाँ पे कम से कम 90 से शुरू हुई है और ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हाँ आगरा में 90 से शुरू हुई है और इस संगठन में 7,000 महिला मेंबर हैं जो इस समय काम कर रही हैं। और ये ऐसा संगठन है कि इसमें बिना किसी उसके महिलाओं को लगे रहना पड़ता है, गरीब महिलाएं, परेशान महिलाएं, बिना पढ़े लिखे लोग, और ऐसे ही लोगों के साथ घटनाएं होती हैं।
तो ये घटनाएं हो रही हैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो चुप हो जाते हैं और अपनी बात के लिए लड़ नहीं पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। हम सब लोग साथ मिल करके महिला हिंसा के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाएंगे कि महिला हिंसा नहीं होना चाहिए और हमारा संगठन बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेगा। डॉक्टर नसरीन बेगम, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आगरा। आज हम लोग मजबूर होकर सड़कों पर निकलना पड़ा क्योंकि जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि महिला हिंसा इतनी शिद्दत से और तेज़ी से ये हिंसा बढ़ रही है कि हर आदमी बहुत चिंतित है, परेशान है। और चाहे बेटी, हमारी बेटी हो, हमारी बहू हो, छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। शायद आप भी इस बात को समझते होंगे और पूरा हिंदुस्तान समझता होगा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 6 साल 8 साल 4 साल की बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आप सोच सकते हैं कि ये जो नया एक ट्रेंड चला है कि आप बलात्कार करिए और उसको इतनी बुरी तरह से मार डालिए ताकि उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। बच्चियों को कहीं ले जाकर गली में, सुनसान जगहों पर, खेतों में इस तरह के वारदात बहुत खुले आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार में क्राइम ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। देखिए आंकड़े बता रहे हैं, हम और आप कुछ नहीं कह पाएंगे। हम अगर कहेंगे तो हो सकता है कि हिंदुस्तान न माने, मगर आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि 2014 से ये संख्या बढ़ी है और ये बहुत चिंता का विषय है। जाहिर है कि हम बच्चियों को, पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, उन्हें बाहर भेजने में, घर से बाहर भेजने में बहुत घबराते हैं। हम लोग खुद बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में हम डरते हैं। आप ये सोचिए, ये तो बात है पढ़ी लिखी लड़कियों की, जो अनपढ़ बच्चियां हैं, जो खेतों में काम करने वाली लड़कियां हैं, उनके साथ क्या हो रहा? उन्हें तो बेचारियों को कुछ पता भी नहीं। बहाना बनाकर उन्हें बुलाया और उनके साथ रेप किया, मारा, सर कुचला, पत्थर से सर तोड़ा और उन्हें उठाकर जंगलों में इधर उधर फेंक दिया। इस पर गौर करना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो इस वक्त की मौजूदा हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज़ उठाना लोग नहीं चाहते मौजूदा दौर में। आज के वक्त में कोई बोलना नहीं चाहता, यहाँ तक कि हम पर्चे बांट रहे हैं तो कोई लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि एक माइंड सेट है, जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, हम इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लोगों के जज्बात मर चुके हैं, तो जब जज्बात मर जाएंगे, इंसानियत मर जाएगी, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, तो ये सब तो होना लाजमी। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो इस तरफ हमें गौर करना है कि मानवता, इंसानियत कहाँ जा रही है, मोहब्बत का जो मैसेज है, मोहब्बत का जो पैगाम है, वो कहाँ जा रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। देश तो चलेगा सब मिलकर, सब एक होकर, सबका साथ, सबके का विकास जब होगा, जब हमारा देश तरक्की करेगा। आज हम बात करते हैं कि आधी आबादी हैं महिलाएं, हिंदुस्तान की आधी आबादी हैं, मगर क्या
ये चिंता का विषय नहीं है कि महिलाएं लड़कियां इतनी ज़्यादा डरी हुई और खौफजदा क्यों है? आखिर क्या वजह है? हम क्यों नहीं सोचते? सरकार क्यों नहीं सोचती? जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं सोचते? जो बड़े बड़े नेता और महान अपने आप को महापुरुष भी कहलाते हैं, आप देख लीजिए, आप तमाम चीज़ें उठाकर देख लीजिए, ये खुली किताब है, कोई उस पर पर्दा नहीं है। हर इंसान हर बात को समझता है, मगर अफसोस ये है कि वो सच्चाई को क्यों नहीं कहना चाहता। हम सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? क्योंकि हमारा देश जाहिर महान है, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, तो तरक्की कैसे करेगा? अगर इस तरह की घिनौनी घटनाएं होंगी तो हम अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में, गैर मुल्कों में, विदेश में भी हमारी बेइज्जती होगी। तो इस तरफ हमें चिंता करनी चाहिए कि जो बहुत तेज़ी से महिला हिंसा, बलात्कार की तमाम चीज़ें, आप ये देखिए, शेल्टर होम जहाँ पर उन्हें सुरक्षा के लिए रखा जाता है, वहाँ क्या हो रहा है? अब ये सोचिए कि सोचकर दिल दहल जाता है कि वो लड़कियाँ जो लावारिस हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जिनको शेल्टर होम में हिफाजत के लिए रखा गया है, वहाँ इस तरह के मामलात हो रहे हैं और बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो कैसे काम बनेगा? तो ये तो वाकई हमें और आपको और पूरे हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ हिंसा रुके, बलात्कार रुके, तो हमें मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि हम किस पार्टी से हैं, किस संगठन से हैं। हम मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, मोहब्बत का मैसेज पैगाम सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो इंसानियत के परचम को हम बुलंद करें और इस बात को एक एक तक पहुंचाएं कि सुरक्षा लड़कियों की, बच्चियों की, बेटियों की, यहां तक कि बुज़ुर्ग महिलाओं की, बुज़ुर्ग महिलाएं भी महफूज नहीं हैं, उनकी सुरक्षा का सरकार क्या इंतज़ाम कर रही है? इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी देश की तरक्की जब तक नहीं होगी, जब तक हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि महिलाओं की जिम्मेदारी और लड़कियों की जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज़्यादा होती है। महिलाएं घर भी चलाती हैं, बाहर के भी काम करती हैं, खेत में भी काम करती हैं, खेतिहर मजदूर हैं महिलाएं, तो वो जब सुरक्षित नहीं होंगी तो वो घर से निकलने में घबराएंगी, डरेंगी, काम रुकेगा, काम में बाधा आएगी, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? यही बात है जो हम लोग सड़कों पर निकल कर करना चाहते हैं, झिझोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मानवता के प्रतीक, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचा लो, हिंदुस्तान को बदनाम होने से बचाओ। अगर इस तरह की गलतियां होंगी, इस तरह के हादसे होंगे, बलात्कार होंगे बच्चियों के साथ, तो हमारा देश, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हमारे देश का क्या मान रहेगा? ये चिंता का विषय है।